दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वाधान में आयोजित की गई जीपी सिन्हा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता के समापन पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बार सभागार में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव एडवोकेट ने की एवं संचालन सचिव राकेश कुमार वशिष्ठ द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयपाल सिंह एवं प्रतियोगिता के प्रायोजक प्रदीप सिन्हा बबली एडवोकेट ने कहा, अकादमी नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी पृष्ठभूमि है। तब तो पहले हमारे यहाँ सीनियर सेवाओं का संपादन नहीं होता, उन्होंने और मैंने बैठ के ये तय किया कि हमारे बाहर के खिलाड़ी थे और मोतीलाल जयंती के लड़के वो स्वतंत्र और अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी इतफाक से एक्सीडेंट में डेथ हुई और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए किया जाए जो हमारे बाहर में अच्छे प्लेयर भी रहे हैं और सबका नाम भी रहा, काम भी रहा। तो मैं बाबू जी से कह रहे थे, मैं ठीक है बाबू जी क्या करना है, तो बोले वही है शतरंज का एक टूर्नामेंट कराना है। तो बाबू चंद्रकांत जी के साथ मैं बाबू मोतीलाल जी के घर पे गया था और वहाँ उन्होंने सहयोग किया और हमने शुरुआत की शतरंज टूर्नामेंट की शरद चंद के नाम से, शरद बाबू के नाम से। कई दो तीन वर्ष वो चला वो तो किन्हीं कारणों से वो भी मत कर बाबू जी की डेथ हो गई, ये हो गया। मैं आदरणीय श्री जी पी सिन्हा हाईकोर्ट साहब का एडवोकेट साहब का शिष्य रहा हूँ और बहुत उनका प्यार हो गया। तो जब वो उनका स्वर्गवास हो गया तो मैंने भाई बबली भाई से भी कहा, मैंने कहा उनके सुपुत्र बबली भाई, मैंने बाबू के नाम से टूर्नामेंट होना चाहिए, तो हमने ये टूर्नामेंट की शुरुआत कराई। कोरोना काल में दो वर्ष ये नहीं हो पाया, उससे पहले भी जिला घर के नाम से हमने टूर्नामेंट कराया था। सबसे पहला टूर्नामेंट जो हुआ था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से बाबू चंद्रकांत जी ने ये टूर्नामेंट कराया था। संपदा में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को अपनी तरफ से बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे फादर के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया और उसको भव्य रूप में मनाया। विजेता और उप विजेता कोई भी रहा हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो सद्भावना दी गई वो उन लोग बधाई के पास है। और मैं अपनी तरफ से प्लेयर्स को और विनर्स को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार बार एसोसिएशन का पूरी कार्यकारिणी का ये टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए उनको साधुवाद, लाख लाख बधाई। थैंक यू। इस मौके पर प्रतियोगिता के विजेता मुकेश चंद्र भारद्वाज एडवोकेट एवं अविनाश चंद्र चौधरी को दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इनके साथ साथ प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचे शाकिर अली एडवोकेट को भी ट्रॉफी दी गई। साथ ही प्रतियोगिता में शामिल अन्य प्रतिभागियों में अनिल कुमार सिंह, अभिषेक भटनागर, कुलदीप कुमार, नितिन वर्मा, अजय कुमार, कुलदीप त्यागी, कैलाश भटनागर, इमरान हुसैन एवं प्रभात सिंघल एडवोकेट को भी अध्यक्ष व सचिव द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के प्रायोजक प्रदीप सिन्हा बबली एवं प्रतियोगिता के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले अधिवक्ता श्रीकांत उपाध्याय एवं मनीष प्रताप को भी स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ी ग्रुप फोटो खिंचवाते समय विक्ट्री का निशान बनाकर बेहद खुश दिखाई दिए। प्रतियोगिता के विषय में जानकारी देते हुए दीवार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव एडवोकेट एवं सचिव राकेश कुमार वशिष्ठ एडवोकेट ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया, आज हमारे यहाँ दीवार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद में हमने एक हफ्ते पहले 10 जीपी सिन्हा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता शुरू की थी, उसका फाइनल हो गया है और आज उसका पुरस्कार वितरण। इसमें कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें आखिरी दौर तक पहुंचते हुए जो जीत हासिल करी वो हासिल करी है हमारे
मुकेश चंद भारद्वाज ने और उनके संग रनर अप रहे हैं अविनाश चंद चौधरी। आज सभी प्रतियोगियों को जो इस प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया था उनका भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। जो विनर हैं उनको ट्रॉफी दी जाएगी, जो रनर अप हैं उनको ट्रॉफी दी जाएगी। और ये जो प्राइजेस आज के हैं सारे जीतने वालों के, फर्स्ट रनर अप के और प्रतिभागियों के, ये हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा बबली जी ने स्पॉन्सर किए हैं इस कार्यक्रम को। ये कार्यक्रम यहाँ शतरंज प्रतियोगिता का मुरादाबाद में पिछले अनेक वर्षों से होता चला आ रहा है और उस परंपरा को हमने थोड़ा सा चेंज करके उसमें इस साल के हिसाब से जो प्रतिभागी हैं उनको भी हमने पुरस्कार वितरण में शामिल किया है ताकि उनके पास भी आज की इस मेमोरियल टूर्नामेंट की एक यादगार उनके पास रहे और जो उन्हें मोटिवेट करती रहे कि आने वाले अगले साल का जो भी ऐसा कार्यक्रम हो उसमें वो और अधिक अपना हुनर दिखा के जीत हासिल करें। ऐसी शुभकामनाएँ हर एक प्रतिभागी के लिए। जो फर्स्ट विनर है मुकेश चंद भारद्वाज जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करी, सारे लीग मैचेस जीते, जितने मैच वो खेले वो सब जीते। तो ऐसा हुनरमंद खिलाड़ी हमारे बीच में है शतरंज का। और ऐसे ही अविनाश चंद झंडा जी हैं जो मैच जीतते हुए आखिरी में फाइनल में पहुँचे हैं और फाइनल में तो आपको जैसे पता ही है कि भाई दो में से एक ही आदमी जीतेगा, तो जीत मुकेश भारद्वाज को हासिल हुई और रनर अपना जो है वो उसके अविनाश चंद चौधरी। आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आप हमेशा आपका सहयोग रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और आज की प्रतियोगिता को आपके जो आपने इसका चित्रण किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आज की जो प्रतियोगिता है वो हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत सम्मानित हमारे आदरणीय रहे जी बी सिन्हा जी की याद में ये शतरंज का टूर्नामेंट आयोजित किया गया। हमारी बार की ये परंपरा रही है कि हम अपने अधिवक्ताओं को इस व्यवसाय से अलग हटके उनके मनोरंजन के लिए, उनकी फिटनेस के लिए खेलों के आयोजन करते रहते हैं। पूर्व में हमने क्रिकेट का बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया, उसके बाद ये शतरंज की प्रतियोगिता कराई, भविष्य में बैडमिंटन की प्रतियोगिता हमारे यहाँ प्रस्तावित है। इस प्रतियोगिता को हमारे सभी खिलाड़ियों ने आकर खेलकर सफल बनाया, सभी अधिवक्ताओं ने इसमें सहयोग प्रदान किया, सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, जो लोग नहीं जीत सके उनके लिए भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो इसमें खिलाड़ी जिन लोगों ने भाग लिया उसमें शाकिर अली साहब, अविनाश चंद चौधरी साहब, मुकेश चंद भारद्वाज, अनिल कुमार सिंह जी, अभिषेक भटनागर जी, नितिन वर्मा जी, अजय कुमार जी, कुलदीप त्यागी जी, इमरान हुसैन साहब, प्रभास सिंगल जी, मनीष प्रताप, इन लोगों ने भाग लिया। और अंत में जो फाइनल हुआ वो अविनाश चंद चौधरी और मुकेश चंद भारद्वाज के मध्य हुआ और जिसमें मुकेश चंद भारद्वाज इस प्रतियोगिता के, इस टूर्नामेंट के विनर रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से उनको और मेरे सभी साथियों की ओर से उनको। अविनाश चंद चौधरी जी जो रनर अप रहे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और सबसे अच्छी बात बधाई इस बात की कि सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पे अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, पूरे सद्भाव के साथ, पूरे समन्वय के साथ इस टूर्नामेंट को खेला, पूरा सद्भाव बनाया, इसके लिए भी हम सब उनके आभारी हैं। और भविष्य में उनके लिए वादा करते हैं इसी प्रकार के और टूर्नामेंट हम आयोजित करते रहेंगे अपने सीनियर्स की याद में। और सबसे आभार हमारे प्रायोजक रहे हमारे बबली भाई साहब, जिनके पिता श्री आदरणीय श्री जी पी सिन्हा साहब की याद में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया। तो प्रदीप सिन्हा जिन्हें हम बबली भाई साहब कहते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार, उनको साधुवाद कि उनके प्रयासों से ही ये कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद उनको, धन्यवाद आपसे। इस मौके पर प्रमोद प्रत्यय की एडवोकेट गोपाल द्विवेदी, राकेश जौहरी, शाहनवाज हुसैन, हाजी मोहम्मद आमिर, विनोद कुमार, त्रिलोक चंद दिवाकर, अजय बंसल, दामोदर सिंह यादव एवं श्रीकांत उपाध्याय सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।